गुड आफ्टरनून क्लास. हम स्टार्ट करेंगे ड्राफ्टिंग प्लीडिंग सब्जेक्ट, दैट इज अ फुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. उसमें हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिट पिटीशन. रिट पिटीशन हमारा सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है एज ए पिटीशन अंडर आर्टिकल 226, 30 एंड 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये हमारा सिलेबस में टॉपिक दे रखा है. ये वीडियो के लेक्चर इसलिए इसमें लगाना पड़ रहा है बिकॉज ये थोड़ा आई थिंक डिफिकल्ट है और समझने में आसान है, और ये सबसे ज्यादा यूज होता है एज एन एडवोकेट. अगर आप आगे प्रैक्टिस में जाते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा ये नॉलेजेबल रहता है. सो इसमें हमारे को ये बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द रिट पिटीशन इज एन ऑर्डर बाय अ हाई कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और कोर्ट्स. मतलब रिट पिटीशन एक ऑर्डर है जो हायर कोर्ट देती है लोअर कोर्ट को, डायरेक्टिंग देम टू डू समथिंग और स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग समथिंग. डायरेक्ट करती है उनको कि आप कुछ करिए इस पर्टिकुलर मैटर में, या तो फिर आप ये जो कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दीजिए, उसको आगे नहीं करना. रिट इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कमांड इन द नेम ऑफ द कोर्ट. इट डायरेक्ट्स यू टू एक्ट इन स्पेसिफिक वे. जो रिट होती है वो एक स्पेसिफिक एम है, लोअर कोर्ट्स को बताती है कि आप इस स्पेसिफिक वे में ऑर्डर दे दिया हायर कोर्ट ने कि आप इसमें अब काम करिए. इन द इंडियन लीगल सिस्टम यू कैन फाइल और ड्राफ्ट अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 इन हाई कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द सुप्रीम कोर्ट. ये दो आर्टिकल आप याद रखिएगा, 226 में हाई कोर्ट में आप डाल सकते हैं और 32 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाल सकते हैं. आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेबोरेट ऑन द प्रोसेस एंड मीनिंग ऑफ रिट पिटीशन. वो प्रोसेस और मीनिंग ऑफ रिट पिटीशन के बारे में बताते हैं. और एल्स एट एनी पॉइंट इन टाइम यू कैन कंसल्ट एन एक्सपर्ट लॉयर टू ड्राफ्ट अ रिट पिटीशन फॉर यू. दरअसल रिट पिटीशन ड्राफ्ट करना इज नोट एट दैट पार्ट ऑफ लेवल थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट हाँ ये दूसरे बाकी चीजों से थोड़ा अलग है बिकॉज इसमें आपका जो फंडामेंटल राइट ही डिफॉल्ट में या आपका इन्फ्रिंज हो रहा है तभी आप रिट डालते हो. आप अबव सेट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में मान लीजिए आपका कोई फंडामेंटल राइट है जो डिफ्रेम हो रहा है, या किसी अथॉरिटी के द्वारा आपका कोई फंडामेंटल राइट डिफ्रेम हो रहा है या इन्फ्रिंज हो रहा है, तो आप हायर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप अपनी रिट पिटीशन डाल सकते हैं. So, उसी के बारे में आर्टिकल 32 एंड 226 में डेफिनेशन वे में दे रखा है. यू कैन ऑल्सो फाइल अ क्रिमिनल और सिविल रिट पिटीशन इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिपेंडिंग ऑन द केस मैटर. आप सिविल या क्रिमिनल, आपका सिविल अगर एक्ट के अंदर कोई भी राइट, फंडामेंटल राइट आपका इन्फ्रिंज हो रहा है तभी भी आप रिट डाल सकते हैं, और अगर सिविल में, क्रिमिनल में आपका कोई इन्फ्रिंज हो रहा है तभी भी आप डाल सकते हैं. क्रिमिनल में कैसे इन्फ्रिंज होगा वो हम आगे पढ़ेंगे. आगे जैसे जैसे हम स्टार्टअप करते हैं उसमें पर्टिकुलर हर पांच हमारे जो रिट्स होती हैं उन रिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और उस पे क्या क्या फॉर्मेट लगते हैं वो भी पढ़ेंगे. सो इन केस द हाई कोर्ट डजंट गिव अ सब्स्टिट्यूशनल जजमेंट यू कैन देन सबमिट द पिटीशन ऑफ रिट इन द सुप्रीम कोर्ट. अगर हाई कोर्ट उसके ऊपर अपनी जजमेंट नहीं दे सकता तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में फिर जा सकते हो और वो सेम रिट आप सुप्रीम कोर्ट में भी डाल सकते हो. Know what a writ petition is, what are its type in Indian Constitution, how you can file one in Indian High Court or Supreme Court and the format of each writ with a sample. ये मैं आपको particular, ये जो part है आपका, ये मैं particular आपको इस पूरे lecture में बताऊंगा. आज पूरा lecture हो नहीं पाएगा, but जितने भी है मैं दो बता सकता हूँ, उसका format आपको बताता हूँ कि कैसे लगनी है writ petition, कैसे draft होती है और कब लगती है और कैसे लगती है और कौन लगा सकता है पेटीशन को, ये सब हम आगे पढ़ेंगे. हमारा नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या कहता है, व्हाट इज अ रिट पेटीशन इन हाई कोर्ट. अ रिट इन इंडिया इज अ फॉर्मल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डायरेक्टिंग द अथॉरिटीज इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. तो मैंने आपको बताया था इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट बाय अ गवर्नमेंट अथॉरिटी और अ बॉडी यू कैन फाइल अ रिट पेटीशन इन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Whereas you can file a writ petition in High Court under Article 226 of Indian Constitution, you can also file writ petition in India for a criminal or civil act. जो हमने same ऊपर पढ़ा उसी का short में बता रखा है ये. इसके दो main grounds है that you can file a civil
criminal writ petition when the cause of action is in relation to the criminal law, such as the right of accused, bail, etc. मतलब क्रिमिनल में आप कब डाल सकते हो रिट पिटीशन, जब आपका कोई राइट accused accused से रिलेटेड कोई राइट है वो आपका वो इंफ्रिंज हुआ है, बेल से आपका रिलेटेड कोई फंडामेंटल राइट है वो इंफ्रिंज हुआ है, एक्सेट्रा जो भी क्रिमिनल मैटर्स होते हैं। और सिविल में कब डाल सकते हो, जब आपका सिविल रॉन्ग होता है, सच एज आईपीआर में आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कोई रॉन्ग हुआ है, टैक्स में कोई रॉन्ग हुआ है, एक्सेट्रा कोई अदर एक्ट है जिसमें आपका फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हुआ है अथॉरिटी के द्वारा, तब आप रिट डाल सकते हो। तो ये हमारे दो पार्ट थे कि क्रिमिनल में आप कब डाल सकते हो और सिविल में आप कब डाल सकते हो। नाउ द मेन पार्ट ऑफ द रिट, दैट इज टाइप्स ऑफ रिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टाइप्स ऑफ रिट कौन कौन सी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू द सुप्रीम कोर्ट वेयर इट इज इशूड रिट पिटीशन इन इंडिया फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट ग्रंटेड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए हाई कोर्ट में अगर हमारी रिट पे कोई जवाब नहीं आ रहा है या कोई आंसरेबल नहीं दे सकता हाई कोर्ट, देन वी गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट है कुछ भी है तो वो इन्फ्रिंज होता है, वो गारंटी देने के लिए आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जहां पर रिट हम डाल सकते हैं। द पावर टू इशू द रिट पिटीशन इन इंडिया इज प्रिलिमिनरी अ प्रोविजन टू द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू एवरी सिटीजन एंड दिस राइट एक्ट एज अ गारंटर ऑफ ऑल अदर फंडामेंटल राइट इन इंडिया। जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट है इंडिया के अंदर वो सारे गारंटी देते हैं, तो ये भी एक हमारा पर्टिकुलर पार्ट है जो हर किसी सिटीजन के पास एक राइट है रिट डालने का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अगर उनका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। और वो गारंटी देता है ये पर्टिकुलर आर्टिकल हमें कि आपको जो है अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो आपको वापिस रिलेटेबल मिल जाएगा। सेम देर आर फाइव रिट पिटीशन टाइप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच यू कैन फाइल आइदर बिफोर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ओके हमारे पास फाइव रिट पिटीशन होती है। फर्स्ट है दैट इज हैबियस कॉर्पस, जिसको हम कहते हैं यू मे हैव द बॉडी ऑफ, यू मे हैव द बॉडी ऑफ में हैबियस कॉर्पस आता है। इस मतलब क्या होता है इसका हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैंडमस वीक कमांड, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कमांड करेंगे वो लोअर अथॉरिटी को माननी पड़ेगी, दैट इज ऑफ मैंडमस। प्रोहिबिशन टू प्रोहिबिट, सेम नाम से पता चल रहा है। सेरिटेरियो का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, और क्यों वारंटो को मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, और वन हुज अथॉरिटी इज वन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, मतलब जिसकी अथॉरिटी कोई और होल्ड कर रहा है पब्लिक ऑफिस में। तो ये हमारी पांच थी। अब हम इसका एक एक करके हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें कौन फाइल कर सकता है, कौन पर्सन इसमें इन्फ्रिंज हुआ है, कैसे इन्फ्रिंज होता है, और यू मे हैव द बॉडी का मतलब क्या है, और इसका एक पर्टिकुलर अगर आप हैबियस कॉर्पस का रिट पिटीशन डालते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये सब हम आज पढ़ेंगे। Now our part is habeas corpus writ petition. The literal meaning of the term habeas corpus means you may have the body of. You can file this type of writ petition when a person. अब हमारा ये मतलब समझिएगा, you may have the body of का मतलब है क्या? You can file this type of writ petition when a person is illegally detained. Meaning, if the court finds out that the person is illegally detained, then it can order for the release of that person. अगर इसका मतलब क्या है, if the court find out, अगर court को ये पता चलता है कि ये जो person है जिसको detain कर रखा है, मतलब arrest कर रखा है, वो भी illegally, then it can order for the release of that person. तो high court क्या करेगा? Order कर देगा कि रिलीज करो उस पर्सन को अभी के अभी, अगर हाई कोर्ट को रिट में पता चलता है कि जो एक पर्सन है उसको इलीगल डिटेन कर रखा है, अरेस्ट कर रखा है अथॉरिटीज ने। फॉर एग्जांपल, व्हेन वन फाइल्स द रिट पिटीशन ऑफ हैबियस कॉर्पस इन नेचर, देन द कोर्ट ऑर्डर द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द डिटेन्ड पर्सन बिफोर हिम टू एग्जामिन वेदर ही शी हैज बीन एग्जामिन्ड इलीगली और इलीगली। क्या वो पर्सन लीगली एग्जामिन करा गया है या इलीगल एग्जामिन करा गया है, और उसके बाद उसको क्या लीगली डिटेन कर रखा है या इलीगल डिटेन कर रखा है। तो हैबियस कॉर्पस की पिटीशन जाते ही अथॉरिटी हाई कोर्ट जो है वो अथॉरिटी को ऑर्डर कर देगी कि उस पर्सन को, चाहे वो वेदर वुमेन है या मेल है, उसको प्रेजेंट करा जाए मेरे सामने। ऑन कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट द पर्सन हैज बीन इलीगल डिटेन, एग्जामिनेशन करने के बाद कोर्ट को लगता है कि ये इलीगल डिटेन करा गया है, इट कैन ऑर्डर फॉर द रिलीज ऑफ द पर्सन। तो उसी वक्त कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर कर देगी रिलीज ऑफ दैट पर्सन।
The scope of habeas corpus petition has been vended by the Supreme Court. Now you can also file it from the violation of fundamental right of the prisoners. तो ये हमारा एक केस था, दैट इज सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे कोई अगर प्रिजनर है तो उसके लिए हैबियस कॉर्पस नहीं फाइल करी जाती थी, पर इस पर्टिकुलर केस में फिर उनके लिए भी स्कोप वाइड कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नाउ यू कैन ऑल्सो फाइल इट फॉर द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द प्रिजनर्स, जो कैदी है उनके फंडामेंटल राइट के लिए भी आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो. The Supreme Court explained the meaning of writ petition of habeas corpus as well in the case of P.S. Sadeshvi Swami versus State of Tamil Nadu, AIA 1974. मतलब ये जो ऊपर हमने habeas corpus का मतलब बता रखा है, जो meaning है, ये same explain कर रखा है इस particular case के अंदर. You can search it on Google. Thus, the further of the writ petition. Features of the writ petition are as follow. Features के writ petition के, court has the authority to ask question regarding the cause of detention of the detained person. मतलब court के पास authority है कि वो पूछ सकती है, ask question regarding the cause of detention, कि किस वजह, किस लिए आपने authority को पूछ सकती है कि किस लिए आपने इसको detain करा, arrest करा, क्या purpose था इसके पीछे. सेकेंड फीचर हमारा क्या है, द कोर्ट कैन इश्यू अ समन फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिटेन्ड पर्सन इन द कोर्ट. मतलब उसको प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन उसको लेके, जो डिटेन्ड पर्सन है कोर्ट अथॉरिटी को समन कर सकती है कि वो जो डिटेन्ड पर्सन है उसको अभी के अभी कोर्ट में लाया जाए, नेक्स्ट पर्टिकुलर डेट में जो भी समन्स के अंडर डेट है उस जो डिटेन कर रखा है पर्सन को उसको कोर्ट में लाया जाए. थर्ड हमारा फीचर है, इफ इट इज कंक्लूडेड दैट द डिटेंशन ऑफ द पर्सन इज इलीगल. अगर डिटेंशन ऑफ द पर्सन इलीगल है देन इट कैन ऑर्डर फॉर द रिलीज ऑफ द पर्सन. तो उसी वक्त कोर्ट क्या करेगी, रिलीज के ऑर्डर दे देगी. वन कैन फाइल द रिट पिटीशन ऑफ हैबियस कॉर्पस इन द कोर्ट, बी इट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. ऑल्सो वन कैन इशू इट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस. इस फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस में वो कर सकता है, द पर्सन हैज बीन, क्या सर्कमस्टांसिस रहते हैं जब उसको लगता है कि मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो इंफ्रिंज हुआ है और मेरे को habeas corpus के petition डालनी पड़ेगी. The person has been detained but has not been produced before the magistrate. उस person को detain कर लिया गया है पर उसको produce नहीं करा गया 24 hours तक. Arrest के 24 घंटे तक उसको magistrate के आगे पेश नहीं किया गया तो उसका fundamental right infringe हो रहा है, वो डाल सकते हैं habeas corpus. The arrest has been made without any violation of law done by the person. अगर किसी पर्सन द्वारा कोई भी वॉयलेशन ऑफ लॉ उसने करा ही नहीं है और उसको फिर भी पकड़ लिया जाता है तो ही कैन, ही और शी कैन फाइल अ रिट पिटीशन ऑफ हैबियस कॉर्पस इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. द अरेस्ट हैज बीन मेड फॉर एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दैट इज लॉ अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब उसको ऐसे किसी चीज के लिए उसको अरेस्ट कर लिया गया, ऐसे किसी इलीगल चीज के लिए अरेस्ट के लिए गया जो हमारा दे ही नहीं रखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आपने ये चीज करी है उसको मैं आपको अरेस्ट कर लिया. मतलब उसको बिना किसी वजह के कोई भी एक्स वाई जेड कोई बात उठा के उसको अरेस्ट कर लिया तो वो हैबियस कॉर्पस के रिट पिटीशन डाल सकता है. डिटेंशन इज डन बाय विद मैलाफाइड इंटेंट और विद द इंटेंट टू हार्म द पर्सन. किसी पर्सन को हार्म करने के लिए या मैलाफाइड इंटेंट के लिए अगर कोई किसी को अरेस्ट करता है या डिटेन करता है, चाहे वो पर्सनल कोई इंडिविजुअल हो चाहे वो अथॉरिटी हो, तो वो जो अरेस्ट डिटेन हुआ है वो हैबियस कॉर्पस के रिट डाल सकता है. तो दीज आर द फोर सर्कमस्टांसिस इन विच द पर्सन कैन फाइल द रिट पिटीशन ऑफ हैबियस कॉर्पस इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. नाउ हु कैन फाइल द रिट पिटीशन ऑफ हैबियस कॉर्पस. जनरली द पर्सन हु इज एन इलीगल डिटेन फाइल्स द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस. इलीगल डिटेन कर रखा है वो कर सकता है. To being the writ processed from the file of petition of habeas corpus, one can file it and issue it against the public authority or any particular individual. वो या तो public authority के against डाल सकता है habeas corpus के writ petition या फिर particular individual के खिलाफ. However, in certain cases, the court may allow other people to file a writ of habeas corpus on behalf of detained person who is their friend or relative. अब इसमें एक और चीज ऐड कर दी गई है कि या तो friend, जब मान लीजिए डिटेन पर्सन है वो तो अपना जेल में बैठा है उसको इलीगल डिटेन कर रखा है तो उसके लिए कौन डालेगा हैबियस कॉर्पस. या तो उसके फ्रेंड भी डलवा सकते हैं हैबियस कॉर्पस या कोई फैमिली या रिलेटिव्स में भी से भी कोई करवा सकता है उसका हैबियस कॉर्पस की फाइल, उसमें डलवा सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में. नाउ नेक्स्ट वी विल सी अवर फॉर्मेट ऑफ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस.
सो क्लास, ये रहा हमारा फॉर्मेट, हम कह सकते हैं फॉर्मेट ऑफ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। सेम वही लगेगा हमारा, जैसे अगर मान लीजिए आपने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ये गुजरात दे रखा है, आप पंजाब एंड हरियाणा लिख सकते हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिक्शन एट पंजाब एंड हरियाणा रिट पिटीशन नंबर जो आपका डालेगा वहां पे अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज आपने हाई कोर्ट में डाली है, सबसे पहले उस पर्सन का नाम जो रिट पिटीशन डाल रहा है, दैट इज नोन टू बी अ पिटीशनर, और फिर वर्सेस आप किसके खिलाफ डाल रहे हैं, कोई अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट, होम डिपार्टमेंट, गुजरात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सूरत सुपरिटेंडेंट, मतलब मान लीजिए डिटेंशन की अगर हम डाल रहे हैं कि किसी एक अथॉरिटी ने उसको डिटेन कर लिया, तो सबसे पहले वहां की स्टेट गवर्नमेंट को डालेंगे, उसमें रिस्पोंडेंट बनाएंगे, और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो उस पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको, और फिर उस ज्यूरिडिक्शन का जो सुपरिटेंडेंट है पुलिस में उसको भी। तो ये हम रिट पिटीशन इसमें क्या क्या डालेंगे, हम सबसे पहले गवर्नमेंट को, वहां की स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट को डाल दिया, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, जो सेशन कोर्ट का वहां का मैजिस्ट्रेट है उस ज्यूरिडिक्शन का, सूरत का ये केस था, सूरत के मैजिस्ट्रेट को, और फिर उसके बाद सुपरिटेंडेंट को जो उस पुलिस के हेड होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, दैट इज सुपरिटेंडेंट, उसको भी इस पिटीशन में रिस्पोंडेंट बनाएंगे। टू होनरेबल चीफ जस्टिस एंड हिज कंपेनियन जजेस ऑफ एफोरसेड कोर्ट, उस कोर्ट में कितना भी पैनल है जजेस का उनके लिए, द हम्बल पिटीशन ऑफ द पिटीशनर अबव नेम्ड रिस्पेक्टिवली शो दैट द पिटीशनर रिसाइड इन, कहां रिसाइड करता था, एंड हैज बीन लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट ऑन दिस डे ऑफ डेट द पिटीशनर हैज अरेस्टेड एंड डिटेन फॉर द पीरियड ऑफ 3 months इन द साबरमती डिस्ट्रिक्ट जेल, अब गुजरात में साबरमती डिस्ट्रिक्ट जेल है, वेयर द रिस्पोंडेंट नंबर 3 इज द सुपरिटेंडेंट, विद देन ऑर्डर पास बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 1, रिस्पोंडेंट नंबर 1 दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने ऑर्डर पास करा, और रिस्पोंडेंट नंबर 3 सुपरिटेंडेंट जिन्होंने उसको कैद करा, dated this under the National Security Act 1980, a copy of order of the respondent number 1 has been annexed, copy of annexed कर दिया गया है, that on the date of getting detained and arrest Sabarmati Jail Ahmedabad, the petitioner was not informed about the grounds of his detention, respondent number 3 जिसने detain करा है superintendent ने उसको Sabarmati Jail में petitioner को रखा है, petitioner के या तो फिर किसी भी known को रखा है, तो उसको बताया नहीं गया कि किस ग्राउंड पे तेरे को हमने पकड़ा है। After 7 days of getting arrested and detained, the petitioner was informed of his ground of arrest and detention. 7 days बाद उसको arrest and detention का पता चला। The report of the ground of detention was furnished to petition in English, which is not understood by the petitioner. और ऐसे वे में उसको बताया गया, इंग्लिश में लिख के बताया गया, जो पिटिशनर को समझ ही नहीं आया कि किस ग्राउंड पे मेरे को बांधा गया है। The petitioner further is interested in releasing of the petition from the detention. Therefore, the order by respondent number 1 dated is illegal, arbitrary and lack of jurisdiction because the following ground has been. The ground of detention was furnished to the petitioner after prolonged delay. 7 days ke baad usko arrest ka bataya gaya, jabki humare Indian constitution mein likha hua hai ki jis samay police arrest karti hai usko grounds batane hote hain ki aap kyun arrest kar rahe ho. The petitioner detention is violative of article 21 of Indian constitution, right of and personal liberty. The ground of detention of the petitioner was given in English, which is not comprehensible for the petitioner. अब जब भी हम कोई भी अगर मान लीजिए क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में जब हम अटॉर्नी की गवाहियां करवाते हैं अक्यूज्ड की या उसको चार्ज बताते हैं, तो हम उसको इस लैंग्वेज में उसके चार्ज बताते हैं जो उसके ऊपर चार्ज लगे गए हैं कि उसके ऊपर कि उसको समझ आए। हम ये नहीं है कि उसको इंग्लिश आती नहीं है तो हम इंग्लिश में बताना शुरू करते हैं। सेम पुलिस का होता है, अगर वो अरेस्ट करती है तो उसको उस वे में समझाना पड़ेगा जो अरेस्टेड पर्सन है उसको चार्जेस, जो उसको लैंग्वेज समझ आए। ये नहीं है कि उसको अगर लैंग्वेज हिंदी समझ नहीं है, अगर इंग्लिश समझ नहीं आ रही तो आप इंग्लिश ही बोले जा रहे हो, तो आपको हिंदी आ रही है उसको तो हिंदी में बताना पड़ेगा। द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन इज वेरी आर्बिट्ररी एंड वैग्यू, डिटेंशन का जो ग्राउंड था वो बहुत ही वैग्यू था, बोर ही आर्बिट्ररी था, कोई उसका मतलब नहीं बनता। वेयरफॉर इट इज रिस्पेक्टिवली प्रेड दैट द कोर्ट मे इशू अ रिट हैबियस कॉर्पस टू द रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3, thereby quashing the impugned order and directing the release of petition, granting reasonable comprehension of petitioner. मतलब ये प्रे कर दी जाती है लास्ट में कि उसका जो हैबियस कॉर्पस के बेसिस पे उनको ऑर्डर दिया जाए कि उसको रिलीज कर दिया जाए। इसमें ये पूरा नहीं है, इसमें आपका बेसिकली क्या होगा, ये जो पार्ट होता है आपका इतना, यहाँ पे आपका पिटिशनर का आ जाएगा डिटेल, यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन वेरीफाइड आ जाएगा, और यहाँ पे थ्रू काउंसिल आ जाएगा आपका रिट पिटीशन। तो ये आपका रहता है डेट एंड प्लेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका रहता है रिट पिटीशन,
विच इज अंडर, आपने हाई कोर्ट में डाली है 226 के अंदर, तो हाई कोर्ट ऑफ रिट पिटीशन आपका ये रहेगा. ओके क्लास, हम बाकी सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो हम फिर करेंगे नेक्स्ट डे, दैट इज मंडे. मंडे आपको मैंडमस का टॉपिक समझाया जाएगा. ओके थैंक यू क्लास.